डन। और एक इसके साथ भाई ने मुझे फ्री दिया है नार्जो। फ्री है क्या ये? तो गाइस कटिंग वटिंग तो करना नहीं। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द विवाज ब्लॉग। तो गाइस आप लोग गेस कीजिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। नहीं करिए करिए गेस कीजिए। नहीं करेंगे तो कहीं नहीं जा रहा हूँ गाइस, ऑफिस जा रहा हूँ। एक्चुअली आप लोगों से कुछ शेयर करना था, दैट्स व्हाई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मतलब इट्स काइंड ऑफ ए डेली ब्लॉग, ऐसा भी आप रख सकते हो। तो एक मिनट रुक जाइए, गाड़ी बहुत ही गर्म हो गया यार, मतलब धूप में खड़ा था, तो थोड़ा एसी वसी ऑन कर देते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात कर। मैं सोच रहा हूँ कि एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं आईफोन यूज़ नहीं करता हूँ, आईफोन भी यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन मैं ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि आईफोन 13 प्रो या ऐसा कुछ लूँ, क्योंकि बहुत वक्त से मतलब मैं सोच रहा था कि फ़ोन चेंज करूँगा। देखिए यार इधर में मुझे लेट हो रहा है। और तो गाइस सोच रहा था कि एक फ़ोन ले लूँ। मतलब बहुत टाइम हो गया, मतलब मैं फ़ोन स्विच नहीं किया, मतलब मुझे आदत है फ़ोन स्विच करने का। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोन कितने ही साल यूज़ करते होंगे? नॉर्मल 1 ईयर 2 ईयर। तो मुझे आदत है ये 1 ईयर में फ़ोन बदलने का। तो मैं सोच रहा था कि स्विच करूँ। अभी मैं कंफ्यूज था कि मैं आईफोन लूँ या कोई वन प्लस का कोई फ्लैगशिप सा फ़ोन ले लूँ या सैमसंग का कुछ लूँ। लेकिन सैमसंग का एक प्रॉब्लम है, सैमसंग में बिल्कुल ही मतलब मॉडम, उसका जो सैमसंग का मॉडम होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। मतलब वो नेटवर्क को, मतलब जहाँ पे वन प्लस में मुझे 4 या 5 रेंज मिलता है, वहाँ पे उसमें तो 0 मिलता है। तो गाइस अरे कैमरा का लेंस में कुछ लगा हुआ है, रुकिए कैमरा का लेंस क्लियर कर लेता हूँ। हाँ तो सोच रहा था कि मैं फ़ोन चेंज करूं। अभी देखते हैं। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ बाय द वे, शाम को जाऊंगा शॉप। मुझे 2 फ़ोन लेना है एग्जैक्टली, एक मेरे घर के लिए लेना है, एक खुद के लिए लेना है। सो गाइस पैसा कुछ ऐसा है, तो पैसा रख देते हैं आर्मरेस्ट के अंदर, और क्योंकि यहाँ पे रखूँगा तो मतलब वहाँ से दिख जाएगा और फिर कोई कांच वाँच तोड़ के लेके ना चले जाए, तो इसीलिए आर्मरेस्ट के अंदर इसे लॉक करके रखते हैं। 2000 years later। सो गाइस ऑफिस से तो निकल चुका हूँ। अभी भूख लगा है यार, मतलब मैं ऑफिस से जब निकलता हूँ ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है। तो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर शॉप। मेरा एक फ्रेंड आने वाला है तो वहीं पे चलते हैं। तो मेरे फ्रेंड का शॉप खुला है नया, अब वो बोला कि चलो मेरे शॉप में ही चलो। तो हम बोले ठीक है यार चल लेंगे। तो जा रहे हैं हम, और पहले खा लेते हैं कुछ। कहाँ जाऊँगा यार, पहले खा लेता हूँ, डन फिर खरीद लेंगे, परचेस कर लेंगे, डन फिर 1,00,000 रुपया खर्च कर लेंगे। समोसा चाट खा रहा हूँ, मतलब मैं फास्ट फूड अवॉइड करता हूँ, घर का ही खाता हूँ शाम के टाइम। मगर अब तो मुझे थोड़ा काम है ना, मतलब 7 बज जाएगा शायद, थोड़ा डॉलीगंज साइड जा रहा हूँ, उसके बाद अब से मिलता हूँ, खा के मिलता हूँ, भूख लगा यार, खा के मिलता हूँ। तो गाड़ी हम ऐसा कुछ लगा देते हैं यहाँ पे पूरा सेट। गाइस पर्स और पैसा कुछ ले चुका हूँ, अब जाऊंगा वहाँ। पता नहीं मेरा दोस्त
अभी तो मेरे को बोला फर्स्ट फ्लोर आ जाओ, अभी फर्स्ट फ्लोर में जाऊंगा। गाड़ी हमने ऐसा कुछ लगा दिया है और अब वो फर्स्ट फ्लोर जाऊंगा। फर्स्ट फ्लोर कहाँ है पता नहीं, कहाँ से जाते हैं, मैं भी पहला बार आया। हाँ यहाँ से जाते हैं, ढूंढने से तो सब मिल जाता है यार, और ये तो स्टेयर्स है। फोन बाद में, पहले पैकेट उसके बाद ये आया फोन। वाओ यार वाओ, इन हैंड फीलिंग सो गुड यार। यही तो एक मजेदार चीज है इसमें। डन, और यार चार्जर दिखा देते। चार्जर 80 वॉट। ओके ग्रेट गाइस, फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है। हाँ ग्रैनीपुर हो गया 9.3 and second phone is yours. कुछ है सीजर है काटने भाई, ये आप अनबॉक्सिंग करो ना। कौन सा यार, क्या करें इसका अनबॉक्सिंग। इट इज अ गुड फोन यार, कॉस्टली नहीं है करके आप अनबॉक्सिंग नहीं करने मांगता। व्हाट, ये अभी से क्यों अनबॉक्स करता है, कर दो ना, देख के नहीं लिखा। Here we go. खुल गया। उतना सुंदर तो नहीं है मेरे वन प्लस जैसा, लेकिन नाइस नाइस फोन भाई। इसका बिल तो आप सेम ही बनाए, थोड़ा कम डिटेक्ट नहीं करे। वो भी एक्टिवेट कर रहे हैं। कितने देना उसमें बोलो। इसमें तो ज़्यादा ऑलरेडी है ना, वारंटी स्टार्ट है, साइन इन करना है ना मेरे आईडी से, वो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूँ। एग्जैक्टली हुआ क्या था, मुझे आईफोन पसंद नहीं आया यार। मतलब आप सोच रहे होंगे यार, ऐसा कैसा लड़का जिसको आईफोन पसंद नहीं आया यार, बिल्कुल मजा नहीं आया। उसका फीचर्स जो भी देखा, मुझे सबने एडवाइस किया जो भी थे, आईफोन मत लीजिए करके, तो मैंने ले लिया वन प्लस 10 प्रो। वाओ, देख रहे हो। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर दिया है, अपना वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं कुछ सिस्टम अपडेट आया है कि नहीं। अबाउट तो देख सकते हैं, 12 GB वाला वेरिएंट है। चेक फॉर अपडेट हो रहा है,
ये देखिए अपडेट भी आ चुका है, तो अपडेट कर लेते हैं। ये अपडेट वर्जन है, देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है, नेट बहुत फास्ट है, जल्दी से हो जाएगा। और मस्ती फ़ोन है यार, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अभी इसे सेटअप वटअप करूँगा थोड़ा, तो मिलते हैं गाइस फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे नया फ़ोन।